भैया इस समय बच्चों लोग हाउस प्रॉपर्टी को अभी तक हम लोग सब एलओपी का किए बच्चों, ओके ना। तो फर्स्ट आई विल गोइंग टू सी द एसओपी का सब बच्चों, ओके। लेकिन मैं जब से रीड करता हूँ बच्चों, एक्स ओन ओन सा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक्स ओन सा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट इज टू इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट। कह रहा बच्चों एक प्रॉपर्टी है उसमें टू इक्वल यूनिट बच्चों, ऐसे बोल सकते हो जो एक प्रॉपर्टी है उसमें दो फ्लैट रहेगा, दो कमरे रहेंगे बच्चों, तो टू इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट बच्चों, दिस इज योर प्रॉपर्टी बच्चों, ये आपका प्रॉपर्टी बच्चों, ओके, ये पूरा प्रॉपर्टी आपका। फर्स्ट फ्लैट सेकंड फ्लैट बच्चों टू इक्वल था बच्चों, फर्स्ट फ्लैट सेकंड फ्लैट बच्चों, ओके, इक्वल, एक ही प्रॉपर्टी बच्चों टू इक्वल पार्ट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। एक्स ओन्स अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट हैज टू इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट, यूनिट वन यूनिट टू, इसे यूनिट वन बच्चों और यूनिट टू बच्चों। वाइल द यूनिट वन इज एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड बाय मिस्टर एक्स फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज बच्चों, पहला प्रॉपर्टी क्या क्या बच्चों, फर्स्ट यूनिट इज सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब एसओपी है बच्चों फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। अपने खुद के रहने के लिए वो यूज कर रहा हूं जो पहला प्रॉपर्टी क्या बच्चों। एंड द सेकेंड यूनिट इज द लेट आउट, और सेकेंड यूनिट क्या क्या बच्चों, लेट आउट किया क्या बच्चों, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दो इक्वल पार्ट है बच्चों। अगर बच्चों अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा 2 लाख रुपए तो इक्वल पार्ट बच्चों, तो 1 लाख इसका 1 लाख इसका, प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल वैल्यू बच्चों 1,80,000 है तो 90,000 इक्वल पार्ट बच्चों, फेयर वैल्यू बच्चों 2 लाख है तो 1 लाख 1 लाख, बिकॉज बच्चों द गिवन द इक्वल यूनिट्स क्या बच्चों। सो एक्स ओन सा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट हैज टू इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट, यूनिट वन यूनिट टू, वाइल यूनिट वन इज अ सेल्फ ऑक्युपाइड बाय मिस्टर एक्स फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पज, एंड द यूनिट टू इज अ लेट आउट क्या बच्चों, और ब्रैकेट में दिया रेंट बीइंग 6,000 पर मंथ बच्चों, रेंट बीइंग 6,000 पर मंथ लेट आउट है बच्चों। रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड, रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड बच्चों, 2 महीने का रेंट नहीं मिला बच्चों बच्चों। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 लाख कर दिया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द यूनिट नहीं बोला बच्चों, प्रॉपर्टी मतलब बच्चों पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,30,000 क्यों बच्चों, और प्रॉपर्टी में कितने पार्ट्स है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स है बच्चों। अगर उसका बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट तो रिस्पेक्टिव था बच्चों, बट इधर गिवन द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 लाख खड़ी है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बच्चों जो जो स्टैंडर्ड रेंट इज 1,25,000, फेयर रेंट इज 1,40,000, तो बच्चों पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी में कितने पार्ट्स है बच्चों, 2 पार्ट्स है क्यों बच्चों। सिंस म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ऑफ होल प्रॉपर्टी गिवन, पूरे प्रॉपर्टी का दिया हुआ है, एंड प्रॉपर्टी हैविंग 2 यूनिट, एंड प्रॉपर्टी हैविंग तो सिंस द म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द होल प्रॉपर्टी गिवन एंड द प्रॉपर्टी हैविंग 2 इक्वल यूनिट ओके 2 इक्वल यूनिट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों एक यूनिट का नहीं दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे प्रॉपर्टी का दिया बच्चों, प्रॉपर्टी के अंदर कितना पार्ट है बच्चों, 2 इक्वल यूनिट्स, 2 इक्वल यूनिट्स है बच्चों बच्चों। हाउ टू डू म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट यूनिट और 1 यूनिट कैसे करेंगे बच्चों, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बच्चों प्रॉपर्टी में 2 यूनिट डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 1,30,000 है, प्रॉपर्टी का 1,30,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं,
होल प्रॉपर्टी का दिया बच्चों, और प्रॉपर्टी के अंदर क्या बच्चों, प्रॉपर्टी इन टू इक्वल यूनिट्स है, तो हर एक यूनिट का कितना रहेगा बच्चों, डिवाइड बाय टू कर दो, थ्री यूनिट का डिवाइड बाय थ्री करता है बच्चों, तो 130/2 वैसे बच्चों स्टैंडर्ड रेट ऑफ एयर का भी कर लेंगे हम लोग। ओके बच्चों चलो पढ़ जाइए गिवन नेक्स्ट। द म्युनिसिपल टैक्स इज इम्पोज 12% विच इज पेड बाय एक्स। म्युनिसिपल टैक्स 12% बच्चों कल सम कर रहे थे बच्चों, तो म्युनिसिपल टैक्स ऑन म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन था बच्चों, पर फिर भी मैंने नोट लिखा था बच्चों कि कभी भी म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया तो ऑलवेज अप्लाई द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। व्हेन द म्युनिसिपल टैक्स गिवन द परसेंटेज वाइज यू ऑलवेज अप्लाई ऑन द म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों। ओके अदर एक्सपेंस रिपेयर इग्नोर, इंश्योरेंस इग्नोर। अब आता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बोरोड ड्यू द 2000 फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बच्चों, और लोन का भी दिया 2000 रुपये बच्चों, 2000 मतलब ईयर 2000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, चलो बच्चों इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी कितना बच्चों 63,000। ठीक है बच्चों, अब 63,000 में से टू यूनिट है ना, प्रॉपर्टी का 63 है बच्चों, यूनिट वन यूनिट टू क्या है बच्चों, यूनिट वन आपका एसओपी है और यूनिट टू क्या बच्चों एलओपी है, लेट आउट है बच्चों, इक्वल पार्ट से बच्चों तो इक्वल इंटरेस्ट आएगा, कितना आ जाएगा 31,500 बच्चों, दिस इज इंटरेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों एलओपी है, एलओपी में तो देयर नो लिमिट, नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों, अलाउड एज डिडक्शन। बच्चों उसमें पूरा अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड वर्ड बच्चों एसओपी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चों आपका एसओपी है, एसओपी में बच्चों याद है कुछ दो रूल है, 30,000 का और 2,00,000 का ना बच्चों, एक लिमिटेड 30,000 में बच्चों और एक लिमिटेड 2,00,000 का, बट 2,00,000 का अप्लाई होने के लिए बच्चों तीन रूल था, पहला रूल है बच्चों 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना चाहिए, फिर बच्चों 2000 दिया हुआ है, फिर बोला था बच्चों प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन इधर दिया बच्चों फॉर कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग ने दो रूल तो पूरा हो रहा बच्चों, बट तीसरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, कौन सा रूल, कौन सा रूल बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स दिया क्या बच्चों था, नहीं दिया बच्चों। ओके तो फॉर एसओपी बच्चों, फॉर एसओपी इफ लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बच्चों, सेकेंड था परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके बच्चों, और थर्ड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स, ठीक है बच्चों, ये तीन रूल अप्लाई कर दो, रूल दिया था बच्चों 2000, तो पहला अप्लाई हो रहा है बच्चों, सेकेंड कंस्ट्रक्शन दिया बच्चों सेकेंड ऑल्सो अप्लाइंग, बट थर्ड रूल नॉट अप्लाई बच्चों, नॉट गिवेन। ओके तो बिकॉज द थर्ड रूल नॉट अप्लाई बच्चों, नॉट गिवेन, कैन बी टेक बच्चों 2,00,000, सो मैक्सिमम लिमिट रिस्ट्रिक्टेड 2,35,000, आपका मैक्सिमम लिमिट कितना रुपये बच्चों 30,000 रुपया रहेगा, अभी आगे बच्चों 31,500 है, लेकिन कितना रहेगा खाली 30,000 रहेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बच्चों टोटल 63 का आएगा, और 63 पूरे प्रॉपर्टी का बच्चों, पहले प्रॉपर्टी को दो पार्ट है बच्चों यूनिट वन यूनिट टू बच्चों, तो 31,500 एलओपी का तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, एलओपी में तो पूरा आएगा, और एसओपी के अंदर बच्चों 31,500 है,
एक लिमिटेड 30,000 रुपये और एक 2,00,000 तक का। 2,00,000 तक होता कर चो उसके 3 रूल अप्लाई होना चाहिए। पहला रूल होचो 99 रूल 2000 दिया होचो दैट इज अप्लाइड। सेकंड रूल कंस्ट्रक्शन आल्सो इज देयर बट थर्ड रूल नहीं दिया होचो द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर होचो। तो कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट हो नहीं दिया होचो तो वी कांट टेक द 2,00,000 होचो। वी ओनली टेक रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000 तक होचो। इसको मैक्सिमम कितना मिलेगा लिमिट होचो 30,000 मिलेगा ठीक है बच्चों। बस नेट एनुअल वैल्यू कुछ भी आ जाएगा ना। नेट एनुअल वैल्यू बच्चों नेट एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करते बच्चों एसओपी के अंदर नील आता है। एसओपी का सम बच्चों नेट एनुअल वैल्यू नील उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बच्चों बराबर बच्चों। उससे पहला क्या था बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बारो चैप्टर इंटरेस्ट ऑन बारो चैप्टर 24 बी बच्चों याद रखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारो चैप्टर बच्चों। एसओपी भी कितना आ रहा बच्चों 31/500 है बच्चों। बट नीचे देखो बच्चों पर एसओपी इन कंस्ट्रक्शन टेक इन पर सबसे बोल सकता रूल बच्चों मैक्सिमम लिमिट कितना रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों 30,000 पे आया है ना बच्चों। एक आपका पूरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा था उससे 2,00,000 नहीं आएगा बच्चों ओनली 30,000 समझा ना बच्चों। एसओपी भी यार 31,500 है बच्चों बट मैक्सिमम लिमिट कितना रिस्ट्रिक्टेड है ओनली 30,000 है बच्चों। 0 + 30 = 30,000। अब बच्चों ये इधर तो नील है ना जीरो है जीरो में से 30,000 लेस करना बच्चों जीरो में 30,000 डिडक्ट करना बच्चों 30,000 नेगेटिव आएगा बच्चों। ये नेगेटिव इनकम है ऐसे बच्चों इधर थ्योरी चैप्टर में कि एसओपी में करते हम लोग नेगेटिव इनकम के लिए बच्चों ओके तो दिस इज योर नेगेटिव इनकम इसकी स्मॉल ई डाल दो। एसओपी का बच्चों कैसे स्टार्ट करते हैं नेट एनुअल वैल्यू नील लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन आल्सो नील और इंटरेस्ट ऑन बारो चैप्टर इतने ही 0 - 30,000 - 30,000 - 31 में ब्रैकेट डालते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब क्या बच्चों नेगेटिव है बच्चों 0 - 30 और - 30 बच्चों ठीक सिंगल लाइन डाल दो बच्चों दैट इज ए। अब क्या करना है यूनिट नंबर 2 यूनिट टू क्या बच्चा आपका एलओपी है यूनिट 1 इज एसओपी यूनिट 2 इज एलओपी बच्चों। चल एलओपी तो जैसे करते बच्चों ऐसे करेंगे लोग पहला था आरएलबी रीजनेबल रिलेटेबल वैल्यू बच्चों आरएलबी रीजनेबल रिलेटेबल वैल्यू पहला क्या आएगा बच्चों म्यूनिसिपल वैल्यूएशन म्यूनिसिपल वैल्यू देखिए बच्चों म्यूनिसिपल वैल्यू 1,30,000 कपड़ा 1,30,000 बच्चों नहीं कितना लूंगा बच्चों 1,65,000 लूंगा भाई ठीक है। 1,30,000 प्रॉपर्टी का वैल्यू बच्चों वी विल टेक ओनली 1 पार्ट का वैल्यू 65,000 बच्चों फेयर रेंट दिया बच्चों आपका मतलब 1,40,000 है बट पूरा होल प्रॉपर्टी का बच्चों आई विल डू डिवाइड बाई 2 दैट इज 70,000 सी हायर अप ए एंड बी सोचो डी स्टैंडर्ड रेंट
स्टैंडर्ड रेट बच्चों 1,25,000 दे गिवन होल प्रॉपर्टी अपॉन 2,62,500 बच्चों एंड देन ई लोअर ऑफ सी एन डी लोअर बच्चों 62,500 दैट इज योर रीजनेबल लेटर वैल्यू बच्चों होल प्रॉपर्टी बच्चों चलो बच्चों एक्चुअल रेंज इन द फर्स्ट एनुअल रेंज एनुअल रेंज बच्चों उधर दिया गया बच्चों रेंट बी 6,000 पर मंथ बच्चों रेंट बी 6,000 पर मंथ इंटू 12 उधर इज 72,500 बच्चों रेंट 6,000 पर मंथ बच्चों 6,000 इंटू 2 12 का ही उधर दिया गया बच्चों टू रेंट ऑफ टू मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड दो महीने का रेंट नहीं मिल पाया क्या बच्चों गया है अनरियलाइज रेंट हो गया बच्चों रेंट ऑफ टू मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड अनरिकवर्ड कौन सी ईयर का करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का आप बताओ चुके कौन सी ईयर का रहेगा 6,000 का मंथली बच्चों और ब्रेकअप दे रहा 2 महीने का नहीं मिला कौन सी ईयर का ऑब्वियसली करंट ईयर बच्चों लेस अनरियलाइज्ड रेंट 2 महीने का रेंट नहीं मिला बच्चों कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे वैकेंसी के बारे में बच्चों कुछ ऐसा कुछ दिया बच्चों वैकेंसी की वजह से 2 महीने का रेंट नहीं मिला है नहीं देखो एनुअल रेंट हो जो 6,000 और 2 महीने का रेंट कुड नॉट बी रिकवर होता अनरियलाइज नॉट गेटिंग दैट थर्ड हायर ऑफ 1 and 2 हायर ऑफ 1 and 2 62,500 बच्चों इनका आता जो लेस म्यूनसिपल टैक्स है सॉरी लेस क्या आता बच्चों वैकेंसी रेंट समझ दिया बच्चों वैकेंसी रेंट के बारे में नथिंग के बारे बच्चों वैकेंसी रेंट के बारे में तो वैकेंसी रेंट नहीं दिया बच्चों फिर क्या बच्चों आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों 62,500 एंड बच्चों फिर क्या कहेंगे बच्चों लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्ड बाय ओनर क्या तक आएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्ड बाय द ओनर ठीक कितना बच्चों म्यूनसिपल टैक्स से पेड एंड बोर्ड बाय द ओनर करेंगे हम लोग बच्चों म्यूनसिपल टैक्स से इम्पोज 12% विच इज पेड बाय एक्स 12% बच्चों अब 12% किस पे निकालोगे बच्चों म्यूनसिपल टैक्स निकालना है तो ऑब्वियसली म्यूनसिपलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से जो वैल्यू उसका है कितना रहेगा बच्चों म्यूनसिपल वैल्यू ऐसा है 65,000 उसका 12% डोंट डू द 1,30,000 बच्चों 1,30,000 पूरे प्रॉपर्टी का बच्चों एसओपी पे तो म्यूनसिपल टैक्स भरना नहीं है बच्चों खाली हम लोग को एलओपी पे म्यूनसिपल टैक्स भरना है बच्चों जो तो म्यूनसिपल टैक्स खाली एलओपी पे निकालना है बच्चों ओके तो 65,000 12% बच्चों 20 कैंसिल 1200 12,66 12,72 एंड 678
पहला क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 24K, इसका मतलब 30% 54,700 का 30% 54,700 × 30% बच्चों 16,410 क्या बच्चों सेकेंड बच्चों इंक्रीज ऑन बारोड कैपिटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों LOP का है। अब देखो बच्चों ये था यूनिट वन का नेगेटिव और ये पॉजिटिव यूनिट टू का बच्चों बच्चों लास्ट बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों यूनिट को बच्चों ऐड करने का यूनिट ए यूनिट बी बच्चों दोनों को ऐड करना है बच्चों लेकिन बच्चों को 30,000 नेगेटिव है और ये 6,790 बच्चों पॉजिटिव है नेगेटिव है बच्चों पॉजिटिव है क्या होगा लेस रहेगा सो 6,790 − 30,000 अभी बच्चों आपका 23,210 बचेगा नेगेटिव बच्चों क्योंकि 30,000 नेगेटिव ज्यादा है बच्चों 30,000 पॉजिटिव आगे 6,790 ये स्टिल 23,210 आपका नेगेटिव इनकम रहेगा ये तब तो आपके पूरे प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा तो कैसे किए बच्चों आपने पहला SOP बच्चों NMV नील स्टैंडर्ड डायरेक्शन नील बच्चों और इंटरेस्ट हम बारह क्या 0 − 30 बच्चों 30,000 इसको स्मॉल ही डालते बच्चों फर्स्ट इनकम फ्रॉम यील्ड वन LOP का हिसाब तो मालूम है बच्चों आपको ज्यादा ज्यादा दिन बच्चों ये इनकम आ गया इनकम का हाउस प्रॉपर्टी यूनिट टू बच्चे ये यूनिट टू का है यूनिट टू का पॉजिटिव बच्चों यूनिट वन का नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो लेस कर दिए बच्चों स्टिल 30,000 नेगेटिव ज्यादा बच्चों तो नेट टैक्स इनकम का हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगा 23 बच्चों इस समय बच्चों दो प्रॉपर्टी का ऐसा एक ही प्रॉपर्टी का बच्चों दो पार्ट है वन पार्ट इज SOP अदर पार्ट इज LOP बच्चों तो दोनों को करना है बच्चों पहले SOP का एक्सप्लेन कर लिया बच्चों बाद में फिर LOP हो दोनों प्रॉपर्टी की इनकम को बाद में क्या करना बच्चों कंबाइन करना है ये पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों तो उनको लेस कर दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक्स हैज ऑक्यूपाइड 3 हाउस फॉर द रेसिडेंस बच्चों एक्स बच्चों 3 घर यूज कर रहा अपने रेसिडेंशियल के बच्चों याद आ रहा है मोर देन वन प्रॉपर्टी बच्चों SOP के लिए यूज होता है तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता बच्चों सॉरी सर आपको खाली एक ही प्रॉपर्टी आपको SOP मिलेगा बच्चों बाक्की दो को गवर्नमेंट सपोज करेगा क्यों लेट आउट डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों याद आ रहा है एक्स हैज ऑक्यूपाइड 3 हाउसेज फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस एक्स प्रॉपर्ट मोटा है बच्चों तो एक घर में नहीं जा पाता तो 3 घर यूज कर रहा है बच्चों तो एक्स अपने रेसिडेंशियल पर्पस के 3 हाउस यूज कर रहा है बच्चों पढ़िए रूल बिहाइंड है बच्चों व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रॉपर्टी या SOP तो गवर्नमेंट विल टेक ओनली वन प्रॉपर्टी या SOP बच्चों रेस्ट ऑफ ऑल विल ट्रीट एज अ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों तो बच्चों सपोज टू बी ए लेट आउट बच्चों बच्चों तो स्टार्ट का सामने बच्चों ये फॉलोइंग पार्टनर्स अवेलेबल स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू द थर्ड ओनर बच्चों अगर स्टैंडर्ड रेंट बच्चों हाउस वन का हाउस टू का बच्चों है थर्ड का नहीं है बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों दे गिवन फेयर रेंट भी दिया बच्चों म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया बच्चों फिर रिपेयर एक्सपेंस इग्नोर
इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों पेड ड्यूरिंग द ईयर 1920 ड्यू बट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 बच्चों। ऐसे भी बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रहे आउटस्टैंडिंग हम लोग तो लेने वाले नहीं बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम ग्राउंड रेंट इग्नोर बच्चों। X 12 रुपीज 30,000 बच्चों लोन ले रहा है at the rate of 20% per annum for constructing the house number 3 बच्चों। लोन किसके लिए ले रहा है बच्चों? थर्ड हाउस के लिए। एक्स बारोस 30,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस थर्ड बच्चों। द डेट ऑफ बारोइंग इज द 1 जून 2012 बच्चों। डेट ऑफ बारोइंग क्या बच्चों? 1 जून 2012 बच्चों। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बच्चों 10 मई 2021 बच्चों। लोन कब लिया बच्चों? 1 जून 2012 को। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन कब रीपे होगा बच्चों? 10 मई 2021 को। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउस इज कंप्लीटेड इन मई 2017 बच्चों। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउस कंप्लीटेड इन मई 2017 डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। अब बच्चों लोन कौन से प्रॉपर्टी के लिए बच्चों? थर्ड का। तो इंटरेस्ट भी किसका मिलेगा बच्चों? खाली थर्ड वाले मिलेगा, बाकी पहला दो में नहीं मिलेगा बच्चों। तो पूरा समझ का क्या बच्चों? इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है बच्चों और तीनों का तीनों क्या बच्चों? एसओपी है। तो चलेगा बच्चों क्या तीन प्रॉपर्टी एसओपी का? नहीं चलेगा बच्चों। उसमें से एक ही प्रॉपर्टी आपको एसओपी मिलेगा बच्चों, बाकी दो प्रॉपर्टी को डीम लेटर ऑफ प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर क्या दिया बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी के उसने लोन लिया बच्चों। 30,000 लोन है बच्चों 20% पर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस नंबर थर्ड। डेट ऑफ बॉरिंग भी दिया बच्चों, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन भी दे दिया है और कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ऑल द प्रॉपर्टी कंप्लीट हो भी दिया बच्चों। ओके तो चलो बच्चों इस सब करते हैं हम लोग। इन्हें पहले बहुत सारे कैलकुलेशन है बच्चों। ओके जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होता है बच्चों तो हाउ टू कैलकुलेट। कंटिन्यू बच्चों इसके हम लोग सेल्स मिस्टर एक्स ऑक्युपाय मोर देन वन प्रॉपर्टी एंड एक्स क्या कर रहा बच्चों? एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, क्या है? एसओपी कर रहा बच्चों। ठीक है, बट गवर्नमेंट विल अलाउ ओनली वन प्रॉपर्टी एंड एसओपी एंड अदर्स विल बी ट्रीटेड एज क्या बच्चे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। में मैं थोड़ा सा बस आपको रिकॉल कर देता हूँ, सिंस एक्स क्या कर रहा हूँ पाए मोर देन वन प्रॉपर्टी जैसे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का एसओपी पे बच्चों। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे तो गवर्नमेंट अलाउ ओनली वन प्रॉपर्टी एज एसओपी एंड अदर प्रॉपर्टी एज डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब सर कौन सी प्रॉपर्टी एसओपी पे रहेगा, कौन सा डीम रहेगा बच्चों? ये चॉइस एसएससी का होगा। बच्चों तुम चाहते हो बच्चों सिंस द एक्स ऑक्युपाई मोर देन वन प्रॉपर्टी एज एसओपी बच्चों, बट गवर्नमेंट विल अलाउ ओनली वन प्रॉपर्टी एज एसओपी एंड अदर लिमिटेड एज डीम लेटर बच्चों। अदर बच्चों थ्री डी मुझे कैसे कट कर लो शॉर्टकट भी बच्चों। तीन प्रॉपर्टी था बच्चों अपने पास, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री बच्चों। तो बच्चों पहला बच्चों म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन तो बच्चों पहले हम लोग आर एल बी निकालते हैं बच्चों। आर एल बी आर एल बी शॉर्टकट में करना बच्चों। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना बच्चों? पहले का 10,000 है, दूसरे का 30,000 है बच्चों, तीसरे का भी 30,000 है बच्चों। एम एफ पेरेंट, पेरेंट कितना बच्चों? 18, 18, 35
18, 18, 35 लोअर 15 ये दिया नहीं है बच्चों, ओके? जैसे मैं विकान से जब जीरो, 35 जीरो नहीं, इधर से 35, याद है बच्चों? याद है आयरन, ठीक है बच्चों? अब इसमें किसका हर हायर आयरन भी बच्चों? ये तो क्या बच्चों? आयरन भी तो है बच्चों, इस समय क्या बोलते हैं बच्चों लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं बच्चों, एक्चुअल इनका पॉइंट नहीं आता बच्चों, ठीक है? ये जो हायर वैल्यू है बच्चों, हायर एंड देख जाएगा बच्चों एसओपी रहेगा और अगर बच्चों तीनों में से जो हायर वैल्यू रहेगा बच्चों वो गया एसओपी बच्चों, बाकी दोनों जो क्या बोलेंगे लोग डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, बच्चों एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा तो रफली क्या करना बच्चों आरएल भी निकाल लेगा और जिसको जिसका ज्यादा वैल्यू बच्चों उसको हम लोग एसओपी बच्चों, बाकी बच्चों जो दो रहेगा वो क्या आएगा आपका डीम लेट आउट, डीम लेट आउट जो बच्चों आपका जो आर एल बी है बच्चों उसको बोलते हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, आर एल बी को क्या बोलेंगे बच्चों लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे बाय का दिन हो सेकेंड स्टेप बच्चों, एक्चुअल इनका स्टेप नहीं है बच्चों, एक्चुअल इनका स्टेप नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों क्या बोल रहा हूँ तो जब अच्छे करना बच्चों जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एसओपी के लिए होता है बच्चों तो उसमें क्या करते हैं बच्चों गवर्नमेंट एक को एसओपी बोलेगा बाकी दो को डीम लेटर, ठीक बच्चों डीम लेटर बच्चों हायर वैल्यू को एसओपी बाकी दोनों को डीएलओपी, ठीक एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वर्किंग में बच्चों इंटरेस्ट का किसके लिए बच्चों एक्स बारो द लोअर 30,000 अदर रेट 20% पर एन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द थर्ड हाउस बच्चों लोन टेकन फॉर थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों लोन टेकन फॉर थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड हाउस तीसरे वाले के लिए लोन होता है लोन तीसरे वाले का इंटरेस्ट पे तीसरे वाले टाइम होता है सब कैसे निकालना बच्चों सब देखते हैं लोग डेट ऑफ लोन टेकन ऑन कभी लोन लिया बच्चों 1 जून 2012 को बच्चों 1 जून 2012 इसको राउंड फिगर करो तो कौन सा ईयर आएगा बच्चों 1213 आएगा राइट बच्चों 1 जून 2012 1213 में लोन लिया बच्चों अच्छा बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड क्या दिया था बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑफ ऑल द हाउसेस ऑन मई 2017 इसको राउंड फिगर कर कौन सी ईयर में आएगा बच्चों 2017 एंड 18 में बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों राइट बच्चों और दिया था डेट ऑफ लोन रीपेमेंट बच्चों डेट ऑफ लोन रीपेमेंट लोन का ही पूरा रीपेमेंट होगा बच्चों 10th मई 2021 बच्चों 10th मई 2021 बच्चों बताओ बच्चों क्या 2021 एंड 2022
इसका मतलब क्या बच्चों, लोन आपका 21-22 तक चलता रहेगा बच्चों। अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, 2019 and 20 बच्चों। तो क्या बता रहा बच्चों आपको थ्योरी में, अगर 2019 and 20 के पहले अगर लोन खत्म हो गया बच्चों तो करंट इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब बच्चों जो है 21-22 में लोन रीपेमेंट होने वाला है, इसका मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा बच्चों। बच्चों चलो बच्चों, मैंने सब डेट आपका लिख के रख लिया। लोन कभी लिया बच्चों, 1 जून को बच्चों, 2012-13 में आपने लोन लिया बच्चों, कभी लिया है जून में लिया है बच्चो, तो जून से लेके बच्चों मार्च तक का इंटरेस्ट निकालो। 1 जून 2012 से 31 मार्च 2013, जून से मार्च कितना महीना आएगा बच्चों, 10 मंथ पड़ेगा। 30,000 का लोन था बच्चों, 20% एंड 10 मंथ, हमारा 10 मंथ बच्चों जून से मार्च तक, अप्रैल नहीं लिया जून से लिया बच्चों। काउंटर्स को 30,000 का 20% एंड इंटू 10 / 12 बच्चों 5,000 इंटरेस्ट आ गया। 2012-13 का बच्चों कितना इंटरेस्ट है, 5,000। उसके बाद बच्चों और जैसा आगे क्या आएगा, थोड़ा पहला अप्रैल से लेके बच्चों 31 मार्च 2014 तक पूरा फुल ईयर आएगा बच्चों, 30,000 का 20% पूरा फुल ईयर बच्चों, 30,000 का 20% बच्चों कितना आएगा, 6,000। खाली पहले साल बच्चों 5,000 का इंटरेस्ट, बाकी सब साल क्या आएगा आपका, 6,000 बच्चों, 6,000 आ जाएगा बच्चों। का लोन आपका कभी कंप्लीट होना है 21-22 था बच्चों, तो हर साल 6,000 इंटरेस्ट चालू है बच्चों आपका। 2018-19 भी 6,000 दिला बच्चों, 2019-20 इसमें भी 6,000 दे रहा है बच्चों, 2020-21 उसमें भी 6,000 आएगा बच्चों। अपने आगे का कोई मतलब नहीं बच्चों, अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, ये अपना प्रीवियस ईयर बच्चों बच्चों, ये प्रीवियस ईयर है बच्चों, प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा बच्चों 6,000 बच्चों, बिकॉज आपका लोन 2021-22 में सेटल होगा बच्चों। हाँ, जब लोन 2021 में सेटल होगा बच्चों तो 21 तक तो इंटरेस्ट चालू है ना आपका बच्चों, तो 6,000 कंटिन्यू चालू है बच्चों। अब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर क्या बच्चों, 17-18 है, 17-18 आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है, ये आपका बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, इसका मतलब तो अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर है बच्चों तो उसके पीछे का सब क्या रहेगा बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है बच्चों, उसके पीछे का सब क्या है बच्चों, सब क्या है बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बड़ा बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 6,000 और 5,000, तो इधर के पीछे का सारा इंटरेस्ट बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन है, तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन कितना बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सब ऐड कर लो बच्चों, 6 + 6 + 6 + 6 + 5 बच्चों कितना आएगा, 29,000 है बड़ा बच्चों, है ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड के पीछे का सब बच्चों ले लेगा, 6, 6, 6, 6, 5, 29,000 बच्चों, तो बच्चों मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 29,000 / 5 बच्चों, 29,000 / 5, 5,800 आ गया, 5,800। अब इसका बेनिफिट कब मिलेगा बच्चों,
कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर से मिलता है बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर हुआ 2, 3, 4 आगे पाएगा बच्चों अपना 5800 अपना प्रीवियस साल आ रहा बच्चों, याद रखो तो प्रीवियस ईयर बच्चों करंट ईयर का भी 6000 आ रहा है और प्री का भी 5800 आ रहा है बच्चों, ये टोटल इंटरेस्ट कितना 11800 ये दोनों को ऐड करना बच्चों। था बच्चों का इंटरेस्ट का लोन टेकन फॉर थर्ड जो थर्ड हाउस के लिए बच्चों, लोन टेकन जून था बच्चों तो उसको राउंड फिगर कर दिया, डेट आ गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी दिया बच्चों, लोन रिपेड तीनों डेट दिया बच्चों, 12-13 का इंटरेस्ट बच्चों 10 महीने के लिए, ये 13-14 तो आगे से बच्चों पूरा फुल ईयर आएगा ओके बच्चों, 12-13 करते गया बच्चों, मैं आगे तक पूरा 6000 क्यों लिख रहा बच्चों क्योंकि लोन आपका बच्चा आगे भी है बच्चों 21-22 तक जाएगा बच्चों, अभी 21-22 में कुछ आएगा बच्चों तो वो कितना आएगा तो जल्दी अपने वो लगा देगा ये बच्चों तो 6000 आएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 17-18 में बच्चों तो उसके पीछे का सारा इंटरेस्ट क्या था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, 6000, 6, 6, 12, 18, 24, 30, 29 upon 5, 5800 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट को 1 लिया बच्चों उसके आगे से 5 साल तो देखो 19-20 में कितना बच्चों करेंट रहेगा 6000 और फ्री का 5800 तो बच्चों बस बच्चों ये दो मिनट वर्किंग नोट कर लिया बच्चों अब आपको बिजी करते हैं, चलो बच्चों इतना अभी मैं 3 प्रॉपर्टी बच्चों हाउस 1 डीम रिकॉर्ड था बच्चों, हाउस 2 भी डीम रिकॉर्ड बच्चों, दोनों को मैं एक ही साथ कर लेंगे बच्चों ताकि पर्टिकुलर सबका बच जाएगा बच्चों, अदरवाइज आप पहले हाउस 1 हाउस 2 फिर हाउस 3 करो बच्चों तो दोनों का नेचर एक है बच्चों, जब दोनों का नेचर एक रहेगा बच्चों तो हम एक साथ कर सकते हैं बच्चों, तो कैसे करिए पहला वाला पॉइंट बच्चों आर एल बी रीजनेबल रिलेटेबल वैल्यू बच्चों, रीजनेबल लेटर वैल्यू फर्स्ट क्या लिखते हो बच्चों आप म्यूनिसिपल वैल्यू से कितना था बच्चों म्यूनिसिपल वैल्यू से पहला हाउस का 10,000 दूसरा हाउस का बच्चों 30,000 तीसरा हाउस का नहीं बच्चों तीसरा हाउस का नेचर अलग है बच्चों दोनों का नेचर सेम इसके में सेम ही था बी बच्चों क्या था पेयर है 18,000 सी बच्चों क्या आता है आयर ऑफ ए एन बी बच्चों हायर क्या होती है 18,000 हायर क्या होती है 30,000 डी क्या लिखते बच्चों स्टैंडर्ड रेंज स्टैंडर्ड रेंट होते हैं 59-20 है लोअर ऑफ सी एन बी ओके तो 15,000 आ गया 20,000 ये बच्चों ये आ गया था आर एल बी बच्चों और तो आम बच्चों इसके अंदर क्या था हम लोग एक्चुअल रेंट लिखते बच्चों ये रूम भाड़े पे था क्या बच्चों ये डीम लिखा हुआ है ना तो इसलिए बच्चों इसके अंदर यही आंसर क्या जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब क्या करेंगे बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न बाय ओनर बच्चों क्या म्यूनिसिपल टैक्स बच्चों यस 1200 एंड 2400 बच्चों ठीक है बच्चों
नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल 13,800 एंड 17,600 रुपीज। फिर क्या था बच्चों, लेस रिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन 24A कितना करेंगे बच्चों, 30% ऑफ एनओवी। इंटरेस्ट हम बारो कैपिटल लिए बच्चो, इंटरेस्ट हम बारो कैपिटल थर्ड वाले का बच्चो, थर्ड वाले का फर्स्ट का नहीं करेंगे हम लोग, एक ही था बच्चो। तो बच्चों 67,609 इसका बच्चों 25,3 बच्चो, ये था इनकम फ्रॉम पहला प्रॉपर्टी बच्चो, ये था इनकम फ्रॉम सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चो। इसको स्मॉल ए डालते रखो बच्चो, जब एक प्रॉपर्टी बाकी ना बच्चो एसओपी का, तो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चो हाउस थर्ड, तो क्या बच्चों आपका एसओपी। बंदूक को कैसे किया बच्चों, कुछ लोग क्या करते पहला पहला हाउस बच्चों, फिर दूसरा हाउस, फिर तीसरा हाउस, बट बच्चों जब दोनों का नेचर सेम रहेगा बच्चों तो आपका पर्टिकुलर बच जाएगा ना बच्चों, तो जब दोनों का नेचर सेम रहेगा बच्चों तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर। बच्चों थर्ड वाले का बच्चों नेचर सेम नहीं है सर, यहाँ से लिखेंगे ना नेट वाले वाली नेम लिख सकते हो बच्चों, ओके ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों। थर्ड आज क्या बच्चों एस ओ पी है, क्या था बच्चों उसका नेट एनुअल वैल्यू नील बच्चों, बच्चों नेट एनुअल वैल्यू नील लेस रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 उसमें पहला क्या बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन वो भी नील आएगा बच्चों, सेकेंड था बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B बच्चों कितना आया था बच्चों 11,800 आया था, 11,800 आया बच्चों अच्छे नोट किया ना हम लोग, 11,800 आया था बच्चों, 11,800 जीरो माइनस 11,800 बच्चों 11,800 नेगेटिव आएगा बच्चों। सोचो अब बच्चे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बच्चों, देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों ए प्लस बी बच्चों, ए प्लस डी जब ए प्लस डी करो तो ध्यान रखना बच्चों नेगेटिव है, 9,660 प्लस 12,320 माइनस 11,800 आएगा बच्चों 10,180। इसको इसको तीनों ऐड करना बच्चों, तो दोनों ऐड हो गया बच्चों पॉजिटिव का, ये नेगेटिव है तो बच्चों लेस करेंगे आपको फाइनल आंसर बच्चों 11,180। था बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, इसमें उन्होंने आज दो बहुत इंपॉर्टेंट किए बच्चों, एक था एक ही प्रॉपर्टी दो पार्ट था बच्चों, एक एस ओ पी एल ओ पी था बच्चों और तीसरा था बच्चों तीन प्रॉपर्टी था उसमें सब एस ओ पी था बच्चों, तो हमने उसको दो डीम लिया बच्चों और एक को एल ओ पी लिया बच्चों, एस ओ पी लिया बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देखोगे तो कुछ डाउट आता है बताना बच्चों।